नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो होगा ये एनसीईआरटी का महासंग्राम चलेगा, और इस महासंग्राम में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कक्षा 8 की अध्याय 3 यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पे शासन चलाना। जैसे ही हम कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं तो क्या होता है, अच्छे तरीके से समझ भी आता है और अच्छे तरीके से इस चैप्टर को एक बार में ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है, उस सारे क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो क्या है, आपको जो है जोड़े बनाना है, यानी एक दूसरे से मैच करवाना है कि रैयत का कहां जाएगा, महल का कहां जाएगा, रैयत रैती का कहां जाएगा और निज का कहां जाएगा। उसके बाद दूसरा जो होगा रिक्त स्थानों को भरना होगा, यहां क्या भराएगा, यहां क्या भराएगा, आपको देखना होगा। उसके बाद यहां के बाद सीधे आइए विचार करते हैं, चलिए हम भी विचार करते हैं और आपको भी विचार करने पर मजबूर करेंगे। सबसे पहला है अस्थाई बंदोबस्त के मुख्य पहलू का वर्णन कीजिए, इसको 100 शब्दों में करना होगा। अब यहां के बाद थोड़ी सी जागृत हो जाइए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। और दोस्तों एक शिकायत आपसे हमेशा बनी हुई है, क्या इस शिकायत को दूर नहीं करना चाहते हैं, क्या आप क्यों ना लिख के मुझे दिखाते हैं, आप मुझसे ये क्वेश्चन मेरा है, क्यों ना लिख के आप दिखा रहे हैं हमें, आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रीलिम्स पास करने से आपकी वाहवाही हो जाएगी, क्या प्रीलिम्स पास करने से दुनिया आपकी जय जयकार करेगी, क्या प्रीलिम्स पास करने से आपको रैंक मिल जाएगा। अगर ये सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं है तो फिर मेंस का क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हूं, आप खुद ही सोचिएगा, इसलिए प्लीज लिख के देने की कोशिश कीजिए। जमीन बन के तैयार है, बस बीज डालिए, पौधा आज न कल जरूर निकलेगा। डालिए तो सही बीज, वही चीज यहां है एनसीईआरटी, एक बार डालिए तो सही, लिखने की एक बार आदत तो लगा लीजिए, उसके बाद तो क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, एक बार शुरुआत तो हो जाए। इसलिए अस्थाई बंदोबस्त के मुख्य पहलू का वर्णन 100 शब्दों में करना होगा। दूसरा जो है महलबाड़ी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग है, इसको भी 100 शब्दों में लिखना। कई बार अस्थाई बंदोबस्त, महलबाड़ी बंदोबस्त हम पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होंगे, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़िए, चाहे आप लुसेंट से ही क्यों ना पढ़े हो, या फिर चाहे कोई ऑथेंटिक बुक से भी कहीं क्यों ना पढ़े हो, लेकिन आज तक आपको समझ में नहीं आई होगी। अगर मैं पूछ दूं अस्थाई बंदोबस्त कहां पर लागू हुआ था, आपकी हवा निकल जाएगी। मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े हैं लेकिन याद नहीं है, लेकिन यकीन मानिए आज जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपकी जिंदगी से एकदम सदा के लिए भूलना शब्द समाप्त हो जाएगा। आपको पता चलेगा क्या है महलबाड़ी व्यवस्था, क्या है स्थाई बंदोबस्त, ये सारी चीजें और क्या है ये स्थाई बंदोबस्त, सब कुछ आपको समझ में आएगा। पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्या बताना 50 शब्दों में, यानी कि राजस्व निर्धारण जब की गई थी मुनरो व्यवस्था की वजह से तो दो समस्या हो गई थी, पैदा हो गई थी, जो समस्या हुई थी वो दो समस्या आपको बताना होगा। छठा नंबर क्वेश्चन, रैयत नील की खेती क्यों कतरा रहे थे, मतलब क्या जो रैयत थे वो नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, इसको आपको 100 शब्दों में लिख के बताना होगा, क्योंकि जब हम लोग मेंस में पढ़ेंगे कि गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था कहां पे, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो वहां पे नील के बारे में बताएंगे, क्या है तिनकठिया पद्धति, अभी उसको डिटेल से नहीं बताएंगे, वो आगे वक्त आने के बाद बताएंगे। सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील उत्पादन धराशायी हो गए थे, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसकी वजह से बंगाल में जो नील उत्पादन हो रहा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, धराशायी हो गया। इतने क्वेश्चन बना के लाना और इसको भी 100 शब्दों में लिख के मुझे देना होगा। दोस्तों कोशिश कीजिए वीडियो जब जैसे ही आपके पास में आ जाए ना तो दुनिया का सारा काम छोड़ दीजिए, बस एनसीईआरटी पर लग जाइए और अच्छे तरीके से लगिए, दिल से लगिए, ईमानदारी से लगिए, आत्मा से लगिए, तभी सिलेक्शन होगा, वरना जिंदगी भर भटकते भागते दौड़ते रह जाइएगा, सिलेक्शन का मुंह नहीं देख पाइएगा। कड़वी है लेकिन दिल की बात है, बस इतना ही सा क्वेश्चन आपको देखना है। अब थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको बना के नहीं भेजना लेकिन देख लीजिए, चंपारण आंदोलन और उसमें गांधी जी की भूमिका के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, अगर 100 शब्दों में लिख देते हैं तो मजा आ जाएगा, भेज दीजिए, ये आसानी से आप लिख सकते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की शुरुआती चाय या कॉफी बागानों के इतिहास को देखना है, कि भारत में जो है चाय या कॉफी बागान की शुरुआत कैसे होती, इसको देखना है, और ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूर और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूर के जीवन में क्या समानताएं थी, ध्यान रखिएगा।
इन बगानों में काम करने वाले मजदूर, जो चाय के और कॉफी के बगान में जो मजदूर है काम करने वाले हैं, और जो नील के बगान में काम करने वाले मजदूर हैं, इन दोनों में क्या समानता है? तर्क देके बताना, अगर 100 शब्दों में बता दिए तो मजा आ जाएगा, और ये आप कर सकते हैं। यही आज का क्वेश्चन रहा। चलिए अब आज जो है अपने चैप्टर से शुरुआत करते हैं और ईमानदारी से दिल से पढ़ते हैं। चलिए ग्रामीण क्षेत्रों पे शासन चलाना। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक बात जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे यह होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो चलिए आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पे शासन चलाना। थोड़ा सा हल्का सा फ्लैश बैक देते हैं। हमने आपको क्या बताया था, याद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जो भी क्षेत्रीय शासक है अपनी अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं, फिर चाहे वो बंगाल हो, फिर चाहे वो हैदराबाद हो, या फिर चाहे वो अवध हो, तीनों क्षेत्र अलग अलग बंटना शुरू हो जाता है। उसके बाद से धीरे धीरे क्या होता है कि अंग्रेज जो है व्यापार वाणिज्य करने के लिए कहां पे आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं। लेकिन जैसे ही ये हिंदुस्तान आते हैं तो पता चलता है कि ऑलरेडी पुर्तगाली यहां पे व्यापार कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे व्यापार करना शुरू करते हैं, देखते देखते डच आ जाते हैं, देखते देखते आगे चलने के बाद फ्रांसीसी भी यहां व्यापार करने के लिए आ जाते हैं। जब अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं होता है कि यार यहां से आमदनी मुझे कम होना शुरू हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू करते हैं, और लड़ाई करने के बाद ये संधि वाली जो विधि है उसको अपनाना शुरू करते हैं, और इसी संधि की विधि के वजह से जो है सबको हराते हैं और धीरे धीरे जो है भारत पे अपना सत्ता आजमाना शुरू कर देते हैं। पलासी का युद्ध होता है जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि मीर जाफर के दगेबाजी की वजह से जो है सुजाउदौला की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, जो कि बंगाल का नवाब था। ध्यान रखिएगा, एक सिराजुद्दौला है और एक सुजाउदौला है, दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। जो सिराजुद्दौला है वो बंगाल का नवाब है और जो सुजाउदौला है वो अवध का नवाब है। अब यहां पे पलासी का युद्ध होता है, इसमें हम हार जाते हैं और धीरे धीरे अंग्रेज जो है क्या करता है, मीर जाफर को गद्दी पे बैठा देता है। फिर मीर जाफर को हटा के उसका दामाद जो है मीर कासिम है, फिर उसको गद्दी पे बैठा देता, उसको भी हटा के उसके बाद क्लाइव खुद ही आके उस पर क्या करता, विराजमान हो जाता है। फिर धीरे धीरे उस पर आरोप लगता है और उसे जो है महाभियोग चला के उस पर कार्रवाई बैठती है, लेकिन वो सुसाइड कर लेता है। खेल यहां तक समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे क्या होता है, लेकिन अंग्रेज इतना के बाद भी धीरे धीरे हर क्षेत्र का पहले तहकीकात करते हैं, कैसा यहां का राजनीतिक व्यवस्था है, कैसा यहां की आर्थिक व्यवस्था, कैसा यहां की सांस्कृतिक व्यवस्था है, इन सबको देखते हुए उस जगह पर जो है वॉर करते हैं, उस जगह को अपना क्षेत्र में मिलाने की कोशिश करते हैं, उस जगह पर अपनी शासन चलाने की कोशिश करते हैं। वही चीज अब यहां के बाद आगे बढ़ेगा। एकदम कहानी को एक दूसरे से मोड़ के रखना है, समा को बांधे रखना है, तभी मजा आने वाला है, वरना एनसीईआरटी तो आपको पागल बना के छोड़ देगा, मजा ही नहीं देगा। लेकिन मजा तब देगा जब पढ़ाने वाला मजा से पढ़ा रहा हो और सुनने वाला उससे भी ज्यादा मजा से सुन रहा हो, तब फिर मजा आने वाला। तो चलिए आज के सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में कंपनी दीवान बन गई है। अब कंपनी जो है वो क्या हो गई है, दीवान बन गई है। कैसे, आइए समझते हैं। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्रों में यह घटना का एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया जा रहा है। इस चित्र के उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन के यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना और अंग्रेज के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। कहने का मतलब कि 12 अगस्त 1765 को क्या होता है, मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी तैनात की जाती है। बंगाल का दीवान का मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या है, अब अपने तरीके से आप व्यापार कीजिए, जो अच्छा लगे वो कीजिए, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं, किसी भी तरीके का कोई कर नहीं, किसी भी तरीके का कोई लगा नहीं, किसी भी तरीके का आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा। आराम से आपको दीवानी मिल गई है, जैसे व्यापार करना है दबा के कीजिए, अच्छे से कीजिए, बुरे से कीजिए, जैसे करना शुरू कर दीजिए। यहां के बाद रॉबर्ट क्लाइव एक कुछ ऊपर जो चित्र दिया गया उस चित्र की तुलना किया जा रहा है कि यहां रॉबर्ट जो है रॉबर्ट क्लाइव इस तरीके से एक भव्य तरह के है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो चित्र बनाया गया है वो रॉबर्ट क्लाइव ने जिस चित्रकार को रखा है, ये कहा जा रहा है कि बुक में कि उसको जैसे जैसे परिवेश को बताया उसी परिवेश के अनुसार से उसको बनाया। मान लीजिए कि मैं अभी परिवेश बताऊं
कि इस टाइम में जो है हिंदुस्तान कोरोना की वजह से जो है पटना की स्थिति ऐसी होगी, तो कैसे बताऊंगा कि एक तरफ देख रहे हैं कि पूरी तरीके से लाशों की ढेर बनी हुई है, स्थिति रुक नहीं रही है, हर दिन हॉस्पिटल से जो है हजारों लोग की मृत्यु होते जा रही है, और एक तरीके से सारे लोग जो है मुंह में पूरे तरीके से मास्क लगाए हुए हैं, तो जैसे बोलेंगे चित्रकार क्या करेगा, वैसा ही डायग्राम बनाना शुरू करेगा। अच्छा, हॉस्पिटल का पहले फोटो बना देगा, उसके बाद लाशों का ढेर दिखा देगा, उसके बाद क्या करेगा कि वेंटिलेटर पर जो है सारे के सारे पेशेंट को, जो लोग मर चुके हैं उसको धीरे धीरे लाया जा रहा, डॉक्टर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, परिवार वाले जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उनको उस लाश से कोई मतलब नहीं है, सीधे उठाया जाता और उसको दबा दिया जाता लाश को, क्योंकि उससे भी कोरोना होने का झंझट। कहने का मतलब ये डेमो से कि कहने का मतलब जो हम बोल रहे हैं वैसा ही डायग्राम है, और वैसा ही यही तो इतिहास बनेगा कि 21वीं सदी में कोरोना नाम का एक वायरस आया था जो कि इस तरीके से पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था, इंडिया क्या पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। क्लियर? अब आगे की कहानी। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी व्यवस्था करने का रास्ता ढूंढना था, अपने तरीके से शासन चलाना था और आमदनी अपने तरीके से करना। मतलब आपको पहले बताओ दीवानी का मतलब क्या, पूरी तरीके से दे दिया गया, आप अपने तरीके से कैसे शासन चलाते हैं ये आपको सोचना। अभी तक आप मम्मी पापा में क्या है लगे हुए हैं, जैसे मम्मी बोलते वैसे करना पड़ता है, जब मांगते तभी आपको पैसा मिलता, अब क्या हो गया कि आप ही को मालिक बना दिया गया, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि अब आप कैसे घर को चलाते हैं। सेम कंडीशन यहां भी वही है। चलिए आगे आते हैं। कंपनी की आमदनी क्या थी, कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। दीवान बनी हुई है, राजा बना हुआ, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या कर रही है, यह एक व्यापारी ही मानती है। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। कोई कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़ा खरीद सकें। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी के द्वारा खरीदी जाने वाली चीजें का मूल्य जो है वो दुगना हो चुका था। 1865 में पहली बार कंपनी ब्रिटेन से, ध्यान रखिएगा 1865 में पहली बार ब्रिटेन से जो है सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले जो है सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें वहां बहुत कम कीमत पर अपनी चीज कंपनी को जबरन बेचनी पड़ रही थी। किसान अपनी लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिरता हुआ जा रहा था, खेती चौपट होते जा रही थी, दिशा में बढ़ रही थी समस्याएं। 1770 में जो पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौत के नींद सुला दिया था। याद रखिएगा बंगाल में कब आया था अकाल, तो 1770 में, अब मौत के नींद सुला दिया है। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी जो है समाप्त हो गई, 1/3 आबादी एकदम क्लियर हो गई, समाप्ति हो गई। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से कंपनी अपने तरीके से मनमाना कर रही थी, यह कंफर्म हो गया था कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है अब जो चौपट होना शुरू हो गई। धीरे धीरे कारीगर लोग थे वो भागना शुरू कर दिए, कृषि करने में जो किसान थे उनको इतनी लगान देना पड़ रहा था जिसकी वजह से खेती चौपट हो चुकी थी। धीरे धीरे लोग क्या हो रहे थे, एक क्षेत्र से अपने क्षेत्र से सिमटते हुए जा रहे थे। और इसी बीच 1770 में एक अकाल आता है जो बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत के मुंह में समा जाता। क्लियर हो रहा है इस तरीके से। अब इसी अकाल में लगभग 1/3 आबादी जो है सीधे भगवान के प्यारे हो जाते हैं। क्लियर हो रही है? अब यहां जो फोटो ये देख रहे हैं कनवाली साहब की है फोटो है। अब आते हैं आगे, खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज्यादातर अफसर को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बेहद जरूरी हो गया था। यह काम किस तरीके से किया जा सकता था, यह सवाल पर 2 दशक तक बहस चलते रह गई। आखिरकार कंपनी 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे अस्थायी बंदोबस्त हुआ। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया, 1770 में अकाल पड़ता है, बंगाल में करोड़ों लोगों की मौत हो जाती है। यहां तक तो एकदम पूरा क्लियर है, इसके एक भी सेशन को मिस आपको नहीं करना, हर बात को अपने दिल के अंदर ले जाना, कमाल हो जाएगा। अब देखिए यहां के बाद क्या होता है कि अर्थव्यवस्था संकट में हो गई, ये कहां की, तो बंगाल की। बंगाल क्या था उस समय, एक प्रांत था,
क्लियर हो रहा है? उस समय तीन प्रांत में बटा हुआ था पूरा हिंदुस्तान, ये तो क्लियर है ना, किसमें भी कंफ्यूजन है किसी को, एक बंगाल प्रांत, दूसरा जो था मद्रास प्रांत जो कि अभी चेन्नई हो गया है, और तीसरा प्रांत जो था वो कौन था, बंबई था जो कि अभी मुंबई हो गया है, तीन प्रांतों में बटा हुआ था। तो अभी जो बातें हो रही है वो कहां की, बंगाल की, बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है, और इसको देखते हुए वहां के जितने भी कंपनी के ज्यादातर अफसर हैं इस बात पे सोचने में लगे हुए थे कि कैसे इसकी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया जाए, और इसको सोचते सोचते उनको दो दशक लग गया। दो दशक का मतलब समझ में आ रहा है ना, 20 साल, 1770 में अकाल पड़ता है और 20 साल तक ये सोचते रह जाते हैं, यानी कि 1790 पहुंच चुके हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको याद करने के लिए सब बता रहा हूं, और यह काम किस तरीके से किया जाए, तो यह सवाल पर दो दशक तक बहस चलता है, और आखिरकार कंपनी क्या करती है 1793 में, एकदम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1793 में क्या करती है, अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दी जाती है। शुरू हो गया था अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया गया, अब तो समझ में आ रहा होगा कि अस्थाई बंदोबस्त कैसे हुआ है, क्या मजबूरी थी, क्या इस पे किया गया है, पूरे तरीके से क्लियर हो रहा। अब आगे इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी का राजस्व चुकाने का जिम्मा भी सौंप दिया गया, और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थाई रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च का प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन के जो है फायदे में रहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दी गई, या स्टार्टिंग 1793 की कहानी हो रही है, अभी आप 21वीं सदी में हैं, आपको कहां चला जाना होगा, सीधे लौट के चला जाना होगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में चला जाना होगा। ध्यान रखिएगा यह 1750 से लेकर 1799 तक की कहानी, 1799 तक की कहानी, यह 18वीं सदी को हुआ, यानी कि 1793 की कहानी में, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त अब लागू हो गया है कि किसी भी हालत में जो है अर्थव्यवस्था हमको सुदृढ़ करना, किसकी, तो बंगाल की। अब इसके लिए इसने क्या किया, सबसे पहले यह लगाया कि जितने भी राजा हैं और उनके तालुकदार जमींदार हैं इनके रूप में यह मान्यता दे दी गई कि आप जो है अपने तरीके से चलाइए, जैसे आप चला सकते हैं चलाइए, जो भी किसान हो, जो भी जमींदार हो, अपने तरीके से चलाइए, और इतना हमने आपको टैक्स रख दिया, राजस्व रख दिया, इतना टैक्स आप हमको दीजिए, बाकी जैसे आपको चलाना है चलाते रहिए। यह हुआ राजस्व बंदोबस्त जो कि अस्थाई बंदोबस्त के रूप में 1793 में लागू कर दिया गया। यह कह दिया गया कि अब इसमें वृद्धि किसी भी तरीके का नहीं होगा, और यह भी सोचने में लग गए कि नियमित रूप से राजस्व जब मिलता रहेगा तो क्या दिक्कत है, अंग्रेजों को मिलता रहे, बाकी जैसे आपको करना करे, जैसे अभी ही हम क्या कहते हैं, एक काम करो आप, मुझे जो है ये काम करना है, इसके लिए जो है आप हमें 10 लाख रुपया दे दो ठेकेदारी, बाकी जो करना है जैसे करना है, कौन सा मटेरियल लगाना, कौन से पत्थर लगाना है, कैसे लाइट लगाना, वो सब आप सोचो, बस मुझे इतना पैसा चाहिए, बस उतना दे दो। सेम कंडीशन यहां भी था ठेकेदारी टाइप की, कि आप जो मुझे है इतना पैसा दे दीजिए, लगान फिक्स कर दिया गया, बाकी आपको कैसे करना है आप लोग अपना समझ लीजिए। जमींदार को जमीन में सुधार करने के लिए खर्च का प्रोत्साहन भी मिल जाएगा, यही वो लोग सोच रहे थे अंग्रेज। उन्हें लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली तो है नहीं, इसलिए जमींदार बढ़ते हुए उत्पादन में जो है फायदे में ही रहेंगे। अब समस्या क्या आती है, जब 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दी जाती तो आगे चल के क्या समस्या आती है, स्टार्टिंग में इसे किसी भी वृद्धि का कोई भी प्रश्न नहीं होता है, लेकिन आगे अब समस्या क्या आती है जरा उसको समझ लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ है, कहां लागू हुआ पूछेगा तो आसानी से आप बता दीजिएगा ना कि कहां पे हुआ है, तो बंगाल में हुआ है। क्लियर हो रहा है ना, दिमाग में पूरे तरीके से चल रहा होगा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं समस्या क्या है, मगर स्थानीय बंदोबस्त में भी समस्या पैदा कर दी। क्या पैदा की समस्या, जरा उसको समझते हैं। कंपनी के अफसर ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन के सुधार का खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदार को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी।
और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी के बकायदा नीलामी कर चुकी थी। कहने का मतलब, अब जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो अस्थाई बंदोबस्त में यह कर दिया गया था कि आपको जो है इतना कर देना होगा, इतना लगान देना होगा, इतना राजस्व उसने जो तय कर दिया था, उस राजस्व को देते देते जो है जमींदारों की हालत खराब हो जाती थी, उतना चुका नहीं पाते थे। और यही नहीं चुकाने की वजह से जमींदारों की जो जमीन होती थी वो गिरवी जो है रख लिया जाता था, उसे बेच भी दिया जाता था, उसे नीलाम तक कर दिया जाता था। यानी स्थिति बद से बदतर अभी भी बनी हुई थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालत जो है बदल चुके थे। 19वीं सदी आ गई, 19वीं सदी का मतलब 1800 से लेके 1899। दोस्तों एक बात बता दूं कि कंटिन्यू जो थोड़ा सा तेजी से बोलता हूं तो हो सकता है कोई शब्द मिस कर जाए, मतलब गलत हो, लेकिन उसको तुरंत सुधार दूंगा, तो थोड़ा सा आप अंडरस्टूड रहिएगा, समझ लीजिए, लेने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पे क्या होगा, 19वीं सदी के पहले दशक में यानी कि 1800 से लेके 1810 तक, क्लियर हो रहा ना, पहले दशक तो यही होगा ना, 1800 से 10 साल जुड़ेगा तो 1810 होगा, क्लियर हो रहा। 1810 तक यानी कि पहले दशक तक हालत बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार भी होना लग गया, इससे जमींदारों में आमदनी का सुधार भी आया, लेकिन कंपनी में कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी ने हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। अब क्या हुआ, ठीक है इन्होंने राजस्व तो फिक्स कर दिया, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही 19वीं सदी के पहले दशक आए यानी 1810 के आसपास समय आया, बाजार में कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, धीरे धीरे खेती का विस्तार शुरू हो गया, जमींदारों की आमदनी में सुधार होने लगी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब कंपनी जो है इसके राजस्व में वृद्धि भी नहीं कर सकती थी, क्लियर हो रही है सारी बातें, लेकिन जमींदार को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआत सालों से ही अपनी जमीन गवा चुके थे और जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी अपनी परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गांव के जो किसान हैं उनकी व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही, जिससे क्या हुआ, किसान को जो लगान चुकाता था वह बहुत ज्यादा था और जमीन की कर्ज लेना पड़ता था, और उस जो लगान था उसको चुकाने के लिए जमीन रख के कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। कहने का मतलब यह कि अभी भी स्थिति अच्छी नहीं थी। जो जमींदार थे, जो बचे हुए थे, जो बिक गए वो तो बिक ही गए, जो लगान नहीं दे पाए, राजस्व नहीं दे पाए, उनकी तो जमीन ले ही ली गई, नीलाम कर ही दी गई। लेकिन कुछ जमींदार ऐसे भी थे जो लाभ तो कमा रहे थे लेकिन उनको पता था कि हमें भी अब यहां से जो है हटना ही पड़ेगा, हमारी भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। और जो किसान को ये अपनी जमीन देते थे जमींदार, उनसे लगान इतना ज्यादा वसूला जाता था, जिस लगान को देने के लिए किसान कर्ज उठाते थे, और इस कर्ज को अगर नहीं देते थे तो जो पुश्तैनी जमीन थे, पुश्तैनी जमीन का मतलब समझ में आ रहा है, विरासत, जो आपके पापा, आपके दादा, आपके परदादा से जो मिली हुई जमीन है वो सब जो है गिरवी रखना पड़ता था, दे देना पड़ता था, क्लियर हो रही है। अब देखिए यहां एक शब्द है महल, इस महल को पहले एक बार समझ लेते हैं। महल क्या है, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महल एक राजस्व इकाई थी, यह एक गांव और गांव का एक समूह होता था। महल जो होता था एक गांव होता था और गांव के अंदर एक समूह होता था जिसको कहते थे हम महल, और आगे चल के महलबाड़ी में ये कन्वर्ट होगा। बस एक बार यहां पे समझ लेने का है कि महल क्या था, अब आपको समझ में आ जाएगा कि महलबाड़ी क्या था। तो गांव से था, नगरों से था, शहरों से था, या फिर देशों से था, ऑप्शन दे देगा तो आपको अगर पता है कि महल का मतलब है कि गांव से है तो ऑप्शन टिक गांव से मार दीजिए। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका 8th क्लास का है। आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता जी, कभी सोचने की कोशिश करते हैं क्या? अगर आप नहीं सोचिएगा तो मैं सोचूंगा, मेरा तो वक्त चला गया है, आपका तो वक्त है ना, अब भी वक्त है, एनसीईआरटी को गले में उतार लीजिए। वैसे ही जैसे गले की शोभा, अगर कोई भी जो भी आप आभूषण पहनते हैं उससे बेहतर है एनसीईआरटी का आभूषण पहन लीजिए, गले का शोभा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब आते हैं एक नई व्यवस्था की ओर। नई व्यवस्था क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। यह कोशिश हो चुकी थी कि किसी भी हालत में जो राजस्व बंदोबस्त है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव लाना बहुत जरूरी है।
जब कंपनी के शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकता है। मतलब क्या है, अब अपने तरीके से यह एहसास हो गया कि किसी भी हालत में जो है राजस्व में वृद्धि करना बहुत ही अनिवार्य है, किसी भी हालत में, क्योंकि करना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्थिति ऐसे नहीं चलेगी, क्योंकि पर दिन मतलब हर हमेशा जो है स्थिति क्या हो रही है, बदलते जा रही। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की जरूरत हो तो वह अस्थायी रूप से जो है राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है, किस तरीके से राजस्व तय करेगी, क्योंकि कंपनी को भी बहुत काम करना है। अगर बहुत काम करना है, कुछ अच्छा काम करना और जो भी काम करना खुद के लिए करना है, तो अगर अच्छा काम करना है तो राजस्व को वृद्धि करना ही होगा। अगर तय रख देंगे तो वृद्धि होगा कहां से, हमें पैसा तो बढ़ाना ही होगा। क्लियर हो गया। अब आगे की ओर, ये जो है टॉमस मुनरो सब है, ध्यान से देख लीजिए इनको, यही है टॉमस मुनरो, मद्रास के गवर्नर। अब बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, अब देखिए बंगाल है, मान लीजिए ये बंगाल है, पूरा का पूरा क्षेत्र बंगाल है, ऐसे बंगाल जो है आपको पूर्वी वाला क्षेत्र में मिलता है, पड़ता ये तो जानते हैं, लेकिन ये मान लीजिए बंगाल है। अब इसमें क्या करा, बंगाल के उत्तर, ये उत्तर हुआ और ये पश्चिम हुआ, यानी ये वाला क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र जो था, इसके ज्यादातर इलाके जो है उत्तर प्रदेश में है, इसके ज्यादातर इलाके जो है कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में चिपके पड़े हुए थे उस टाइम में, क्योंकि बिहार भी उस टाइम में क्या था, एक ही था। क्लियर हो रहा है ना, उस समय बिहार क्या था, बिहार बंगाल उड़ीसा तीनों एक था, लेकिन उत्तर प्रदेश अलग था, अवध वाला क्षेत्र था। क्लियर एकदम रखिएगा, एकदम सीधा उसी टाइम में आइएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहां के बाद आगे, होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और इसको बचाए रखना चाहिए। इसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया और जमीन की जांच की, खेतों का माप किया और विभिन्न समूह के रीति रिवाज का दर्ज किया। गांव के एक एक खेत में अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या फिर कहें तो ग्राम समूह जिसको कहते थे महाल को वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थाई रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि इसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। राजस्व इकट्ठा करने, उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मेदारी जो थी वो जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था और इस व्यवस्था को हम कहे थे महालबाड़ी बंदोबस्त नाम दिया गया था। अब देखिए यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन हर बार पूछता, कई बार हजारों बार क्वेश्चन अगर आप देख लीजिए तो, हजारों बार कर रहा हूं और सच बता रहा हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आता है कि जो महालबाड़ी व्यवस्था था किसने लागू किया, तो आपको पहले ही बता रहा हूं कि होल्ट मैकेंजी, पहले ही बता दिया हूं। हो क्या रहा, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम वाला प्रांत था जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है ज्यादातर है, क्योंकि उस समय बिहार भी क्या था, बंगाल ही था, तो इसके ज्यादातर इलाका जो है कहां पे चिपका हुआ, तो अगर देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में चिपका हुआ है। क्लियर हो रहा है। अब यहीं पे देख रहे थे कि स्थिति सुधर नहीं रहा है, तो इसी टाइम में जो है होल्ट मैकेंजी आते हैं और इन्होंने क्या किया, एक व्यवस्था को तैयार किया, एक व्यवस्था अपनी रूपरेखा तैयार किया 1822 में। याद रखिएगा 1793 में क्या आया था, जरा कमेंट करके बताइए तब मैं समझूंगा कि आप यहां तक पढ़े हैं। सॉरी 1793 में क्या आया था जरा कमेंट करके हमको बताइए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपने सही में पढ़े हैं। अब 1822 में क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा 1822 में जो है एक फिर से नई व्यवस्था लागू किया गया है, किसके द्वारा, मैकेंजी नामक के जो है एक अंग्रेज है उसके द्वारा, और इसका नाम रखा गया महालबाड़ी बंदोबस्त। इसमें क्या था कि गांव के स्तर पर था, गांव में जो समूह थे उनके बारे में उसके बाद देखा गया कि जाके पता करो कि गांव के रीति रिवाज क्या, उसको कलेक्ट करो, लोगों के पास कितना खेत है उसको देखो, वहां से क्या राजस्व आ सकता है उसके बारे में अनुमानित कर लगाओ, एक तरीके से बैठो, कलेक्टर को भेजा गया और सारा जो है उसके पूरे तरीके से संशोधित किया गया। उसके बाद ये जिम्मेदार जो है जमींदारी को हटाकर, ध्यान रखिएगा महालबाड़ी जब तक अस्थायी बंदोबस्त था, याद रखिएगा तब तक ये किसके पास में था, तो जमींदारों के पास में था राजस्व को देना अंग्रेजों को, ध्यान रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के पास में था, लेकिन जैसे ही महालबाड़ी व्यवस्था आ गई तो फिर जमींदारों से हटके कहां पे चला गया, तो गांव के मुखिया के पास चला गया। यही क्वेश्चन बार बार पूछता, लोगों को आज तक समझ में नहीं आई है, लेकिन आज के बाद आपको समझ में आ जाएगी। मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है यह वीडियो, ताकि मेरी एनर्जी भी बढ़े और मैं उम्मीद करूं कि और बेहतर आपको जो है प्रेजेंटेशन दे सकूं। चलिए आते हैं मुनरो की व्यवस्था, ये मुनरो की व्यवस्था क्या है इसको समझते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाका में अस्थाई बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा।
वहां जो नई व्यवस्था विकसित की गई उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी यानी या कहें रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। अब देखिए सब कुछ आज क्लियर कर दूंगा, सारा चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो दुनिया में किसी का गलती हो जाए, लेकिन अगर आप हमारे साथ इनक्रेडिबल परिवार के मेंबर बने हुए हैं आपका गलती नहीं होगा, और अगर आपका गलती होगा तो फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल की बात है, चाहे आप किसी भी परिवार के मेंबर रहिए। आपसे उम्मीद की जाती है कि अगर आप एनसीईआरटी को दिल से पढ़े तो गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पे रैयतवाड़ी का नाम दिया गया, यही पे अब थोड़ा सा जोड़ देते हैं। आप सीधे क्या कीजिए, सबसे पहले एक सेकेंड, चलिए अब यहां पे क्या हुआ, तीन व्यवस्थाएं। अब तीनों व्यवस्था कैसे याद किया जाए, रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटे वो जिसको रटना है, आपको सीखना है। ध्यान रखिएगा, आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी के अंतिम सांस तक मैं बताऊंगा आपको कि मैं सिखाता हूं, मैं पढ़ाता नहीं हूं, मेरी वो नहीं है, पढ़ तो आप खुद ही रहे हैं, पढ़ने का तो ज्ञान है, मैं सिखाता हूं। मैं यहां भी और अपनी सियोर सक्सेस संस्था में भी हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप सिखाने की उम्मीद से ही हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहां पे सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त कब आया था, 1793 में, क्लियर हो रहा है। इसमें क्या कहा गया था कि किसी भी हालत में जो है आपको क्या करना, बंगाल की अर्थव्यवस्था को उठाना है। इसके लिए सारी जिम्मेदारी किस पे दे दी गई, जमींदारों पे दे दी गई। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम आसानी से, और ये सारी जमींदारी पे रख दी गई, और यहां से ये राजस्व को इकट्ठा करके क्या करते थे, अंग्रेज को देते थे। क्या घटा होता था, क्या नुकसान, अभी ऊपर में आप पढ़ लिए, यहां बताने की जरूरत नहीं। आगे चलने के बाद ये स्थिति देख लिए कि यहां से स्थिति ठीक नहीं हो रही है, उसके बाद आगे चलने के बाद में फिर क्या होता, हॉट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज होते हैं जो क्या करते हैं, एक नई व्यवस्था का जन्म देते हैं। और ये जो नई व्यवस्था होती है वो कौन सी व्यवस्था होती है, महालबाड़ी, यानी कि गांव के स्तर पे, गांव में जो लोग होते हैं उनके समूह को वहां जाके देखिए, गांव की स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। और ये जो क्षेत्र था ये उत्तर वाला क्षेत्र है, अवध वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। यहां पर महालबाड़ी हुआ, ध्यान रखिएगा महालबाड़ी व्यवस्था। आगे चलने के बाद हेक्टर मुंडरो कहां के गवर्नर है, तो ध्यान रखना है हेक्टर मुंडरो जो है मद्रास के गवर्नर, जो इस टाइम में चेन्नई है। यहां पे इन्होंने भी एक व्यवस्था दे दी, क्योंकि इन्होंने पता चल गया कि जिस तरीके से अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया 1793 में, मुझसे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इन्होंने भी एक व्यवस्था का जन्म दिया जिसका नाम रखा गया रैयतवार, या कहें तो रैयतवाड़ी। अब पूरे तरीके से इमेज क्लियर हो रहा होगा। अब आगे कैप्टन एलेक्जेंडर डीप ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों के द्वारा कब्जे किए गए इलाकों में इस व्यवस्था को अजमाकर देख लिया था। टॉमस मुंडरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था, और धीरे धीरे जो है दक्षिण भारत में सभी जगह यह व्यवस्था लागू कर दिया गया। टॉमस मुंडरो ने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था को क्या किया था, लागू किया, और फिर धीरे धीरे क्या किया कि पूरे दक्षिण भारत में इसको लागू कर दिया गया। रीड और मुंडरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी कि रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे। इनको यह पता चल रहा था कि जो किसान है उनसे किसी भी तरीके से, जो दक्षिण परंपरागत जमींदार नहीं थे, और सीधे क्या किया जाए, किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए था, जो कि पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। यही राजस्व जो है हम क्या करेंगे, आकलन करके पहले खेतों को सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। और फिर मुंडरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसान की रक्षा करनी चाहिए। अंग्रेज को मुंडरो ये बताते थे कि अंग्रेज को जो है पिता की भांति जो है किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अंग्रेजों को कहा जा रहा था कि आप पिता हैं, पिता की भांति जो है वहां के किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अब आगे की ओर, सब कुछ ठीक नहीं था, क्या नहीं ठीक था, तो नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर ही उन्हें समस्या दिखाई देने लग गई। नई व्यवस्था दो लागू हुई, पहले अस्थाई बंदोबस्त थी, तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में आई, उसके बाद जो आई कौन सी आई, तो याद रखिएगा महालबाड़ी आई, जो कि उत्तर भारत में आई। एकदम ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं रिपीट कर करके आपको बताता हूं। उसके बाद आगे चलने के बाद जो है हेक्टर मुंडरो ने क्या ला दिया, तो रैयतवाड़ी ला दिया, लेकिन यह व्यवस्था आगे तक चली नहीं चली आगे। अब उनमें बहुत सारी समस्या दिखने लग गई। जमीन में होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसर को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था से किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने जो व्यवस्था लागू किया, चाहे वो महालबाड़ी हो या रैयतवाड़ी हो, लेकिन यह व्यवस्था अच्छे तरीके से चल नहीं पाया।
उसके बाद धीरे धीरे इसमें इतना ज्यादा लगान और इतना ज्यादा राजस्व वसूल तय कर दिया गया जिससे किसानों की जान चलना शुरू हो गई। धीरे धीरे गांव के गांव खाली होना शुरू हो गए, सारे लोग एक दूसरे से एक क्षेत्र से भाग के दूसरे क्षेत्र में जाने लगे। यूरोप के लिए फसलें, अब यूरोप के लिए फसलें यहां के बाद आगे आते हैं। अंग्रेज ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाका में केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं लेकिन वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से फसलें भी पैदा की जा सकती है कि जो यूरोप में जरूरत है फसल वही फसल जो है भारत में पैदा करें। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने हफीम और नील की खेती पर पूरे तरीके से जोर दिया। कब? तो 18वीं सदी के आखिरी तक, यानी कि 1700 से लेकर 1793 तक, यही तो 18वीं सदी हुआ। 18वीं सदी के अंतिम तक हफीम, ध्यान रखिएगा हफीम और प्लस में यहां पे जो है ध्यान रखिएगा, हफीम और नील की जो खेती है उसको क्या किया गया, शुरू कर दिया गया, पूरी तरीके से जोर दिया गया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसान को मजबूर करते रहे। बंगाल में जो है पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में और पंजाब में जो है पंजाब में गेहूं भी, महाराष्ट्र और पंजाब में दोनों में कपास और मद्रास में चावल की खेती करवाना शुरू कर दिए। ये कैसे किया गया, क्वेश्चन ये उठता है, ये कैसे किया गया? अंग्रेज ने अपनी जरूरतों की फसल की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरीके के एक फसल उत्पादन में ऐसे ही एक पद्धति को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब क्या हो गया, धीरे धीरे इनको राजस्व मिलना बंद हो गया। अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया, पहले तो राजस्व ला के सोचे स्थिति बदलते हैं, लेकिन स्थिति बदली नहीं, लोग भागना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि जो यूरोप में जिस फसल की जरूरत है उसी फसल को यहां पे जो है किसानों से उपज करवाओ और फिक्स कर लो कि इतना जो है भाग हमको देना होगा। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, उसी तरीके का जो है फसल उत्पादन करना शुरू कर दिया। फिर चाहे बंगाल में पटसन हो, असम में चाय हो, या फिर उत्तर प्रदेश में गन्ना हो, या पंजाब में गेहूं हो, इन सब की जो है खेती करवाना शुरू कर दी। ये हुआ कैसे, इसका एक एग्जांपल से देखते हैं। अब है इसे आमतौर पर नील कहा जाता था। क्या आप जानते हैं कि यह रंग जो है किससे, किस तरीके से पैदा किया गया? इस छापे को आपने जो नील रंग दिखाई दे रहा वह नील नामक एक पौधे से निकाला जाता था। जो नील है वो नील नामक एक पौधा होता जिससे निकाला जाता था। और इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस, ध्यान रखिएगा मॉरिस के छापे खाने में इसका इस्तेमाल किया गया। नीला रंग जो है भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा और उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत बन गया था जिससे नीला रंग जो है पूरी दुनिया की जरूरत थी इसलिए नील की खेती करवाई जाती थी नील नामक एक पौधे से। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे चंपारण का विद्रोह तो उसमें बताएंगे कि नील की खेती से क्या होती थी, बंजर हो जाती थी जमीन, लोग करना नहीं चाहते थे। इसके साथ साथ में इतना लगान उसे वसूला जाता था कि किसान बर्बाद हो जाते थे। तिनकठिया पद्धति का मतलब यह होता था कि एक बीघा जो होता था वो 20 कट्ठे का होता था, 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे आपको नील का खेती करना एकदम अनिवार्य कर दिया गया था। क्लियर, अब आते हैं आगे की ओर। भारतीय नील की मांग क्यों थी, भारतीय जो है वो नील की मांग क्यों की थी, क्यों थी, अब आते हैं यहां से देखते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था, उष्णकटिबंधीय इलाका था इसलिए यहां पे उगता था। 13वीं सदी में इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादन, कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। 13वीं सदी, ध्यान रखिएगा 13वीं सदी का मतलब क्या हुआ कि 1200 से लेकर 1299 तक। ओहो, बार बार भूल जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते जिससे कि आपको देखने में दिक्कत ना हो, सॉरी, अब क्लियर हो रहा होगा। अब ऐसे भी लेक्चर इतना दे देते हैं कि आपको समझ में आ ही जाता होगा लेकिन खैर फिर भी मैं दिमाग से निकल जाती है। अब ये क्या होता है कि अब उस टाइम में क्या है, 13वीं सदी में हम चले गए हैं, 13वीं सदी में क्या हो रहा कहानी ये देखिए, सॉरी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे, अब ये ठीक रहा, अब आप आसानी से समझ में आ जाएगा। 13वीं सदी में क्या होता है कि उस टाइम में इटली हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जो कपड़ा उत्पादन करते थे उनको रंगाई करने के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उसी समय भारतीय नील की बहुत बड़ी मात्रा यूरोपीय बाजार में जो है पहुंचना शुरू हो गई, इसकी कीमत भी बहुत ऊंची होती रहती थी इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादन में बैगनी कहें और नीले रंग जो बनाने के लिए जो होता था बोर्ड नामक एक
ध्यान रखिएगा, बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। एक नील के पौधा होता था, दूसरा बोर्ड नामक एक पौधा होता जिस पे निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा जो होता था वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोपी में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और ब्रिटेन में कई हिस्सों में यह पौधा जो है उगता था। नील के साथ जो है वो प्रतिस्पर्धा में परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादक ने अपने सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। उसके बाद जो है यूरोप के सरकार पे जो है वहां के लोग जो है दबाव डालना शुरू कर दिए कि जब बोर्ड का पौधा है और जब नील का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है तो भारत से क्यों लाया जाए। इसके लिए उस पर दबाव डाला गया और साथ साथ में जो है आयात पर भी पाबंदी लगा दी। अब आगे, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, बहुत चमकदार मिलता, आज भी मिलता है। आज भी आप देखते होंगे जो नील आप यूज करते हैं, चाहे वो उजाला हो, उजाला आजकल ज़्यादा पॉपुलर होता, तो उजले गंजी में जनरली लोग प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर बस गंजी में ही प्रयोग करते हैं। जो अंदर में पहना जाता इनर जिसको कहते हैं, उसमें क्या कर किया जाता था, उसमें लगाया जाता जिससे क्या बड़ा खूबसूरत दिखता है। अब बोर्ड को मिलने वाला रंग जो है बेजान और फीका होता था, जो बोर्ड से मिलता था, जो बोर्ड पौधे से भी नील जैसे रंग का मिलता था लेकिन उसमें जान नहीं होती थी और फीका होता था, लेकिन नील रंग जो है वो बड़ा अच्छा होता था। आज हम यूज करते हैं इसको किस में, बनियान में यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम में हम यूज करते थे कपड़ों में यूज करते थे। ध्यान रखिएगा 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादन में नील के आयात पर लगी पाबंदी ढील देने लगी और इससे सरकार राजी कर दिया गया। कैरेबियन द्वीप समूह में सेंट डोमिंग या फिर फ्रांसीसी, जो ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लग गए। अब धीरे धीरे लोग जो है एक दूसरे जगह पे नील की खेती शुरू हो गई थी। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में जो है नील के बागान सामने आ गए, बहुत सारे भागों में नील के बागान जो है सामने आना शुरू हो गए। 18वीं सदी के अंत जो है आखिरी तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई। 18वीं सदी यानी कि 1700 से लेकर 1799 यानी कि आखिरी सदी का रहा, यानी कि 1790 से 99 तक आखिरी सदी में जो है अब क्या हो रहा है, यहां पे नील की मांग बढ़ना शुरू हो गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का शुरू हो चुका था, अब ब्रिटेन में जो है औद्योगिकरण शुरू हो गया था, इसके पास कपास के उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी, कपास उत्पादन हुआ तो कपड़े बढ़ने लगे और कपड़े में रंगाई की मांग जो है बढ़ना शुरू की, तो यहां भारत में नील की जो है मांग बढ़ना शुरू हो गई। जब नील की मांग बढ़ी तो इसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो चुकी थी। अब 1783 से 1789 के बीच में, हम ध्यान से सुनिएगा, के बीच में दुनिया में नील उत्पादन आधा रह गया था। अब दुनिया में 1783 से लेकर 89 के बीच में इन छह सालों में दुनिया में नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब बहुत तरीके से बेचैनी हो गई थी कि भाई अब नील का जो है उत्पादन आधा रह गया, किस तरीके से किया जाए, तो यह नील कहां मिल सकता था। अब ये लोग दिमाग लगाने लगे कि यह नील मिल कहां सकता था। भारत में ब्रिटिश की बढ़ती दिलचस्पी किस तरीके से बढ़ता इसको देखते, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती के बढ़ाने के रास्ता ढूंढने शुरू कर दिया। अब मांग हो रही है यूरोप में, अब ढूंढना कहां, स्रोत कहां ढूंढना है, तो भारत में। और भारत में कहां ढूंढना है, तो आपको बता दें कि चंपारण वाला क्षेत्र, बिहार और बंगाल दोनों वाला क्षेत्र में नील का उत्पादन बड़े मात्रा पर किया जाता था। क्लियर हो रहा। अब आगे, अब यहां के बाद 18वीं सदी के आखिरी दशक से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लग गई थी। 18वीं सदी के आखिरी दशक में यानी कि 1799 से ही अंतिम समय में, 90 से 99 के बीच में 1700, तो इसी के बीच में जो है नील की खेती तेजी से फैलने लग गई थी। बंगाल में पैदा होने वाले नील जो है दुनिया के बाजारों में छा गए। अब जो बंगाल में पैदा हो रहे थे नील, वो पूरी दुनिया के बाजारों में छा रहे। एकदम ध्यान से कहानी सुनिएगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। 1788 में ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील से भारतीय नील के हिस्सा केवल 30% था और 1810 में ब्रिटेन के द्वारा आयात किए गए नील जो है भारतीय नीलों का हिस्सा जो है 95% हो चुका था। यानी कि पहले जो था 30% था और अब जो है 95% हो गया है। ध्यान रखिएगा, यानी टोटल 65% की वृद्धि हो चुकी थी।
अब जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यवसायी एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाना शुरू कर दिए। अब इनको दिख गया कि अरे ये तो जो है सोने की चिड़िया है, नील का उत्पादन पूरे दबा के करो, किसी भी हालत में हिंदुस्तान का कुछ भी हो जाए लेकिन अपना यूरोप में व्यापार वाणिज्य बढ़ता रहे, आमदनी का बड़ा अच्छा स्रोत है, तो पैसा लगाना शुरू कर दिए गए। समय बीतने के साथ में कंपनी के बहुत सारे अधिकारी ने नील अब नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं जिससे मजा आ जाए आपको देखने के देख के। हाँ, अब क्या होता, अधिकारी जो है नील पे अपनी नजर दौड़ाने के लिए क्या किए, कारोबार पर ध्यान देना छोड़ दिए, नौकरियां छोड़ दी। मान लीजिए मैं अभी, सपोज कीजिए मेरे लिए कि मैं अभी चला रहा हूं क्या यूट्यूब से हमें इस टाइम में अगर 10 लाख रुपया पर मंथ आ रहा है और हम कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जहां से हमको सिर्फ 1 लाख रुपया आ रहा, काम भी बहुत ज्यादा देना पड़ता, यूट्यूब में ज्यादा काम भी नहीं देना पड़ता, तो हम क्या करेंगे, वहां से दिमाग को हटा के यूट्यूब पे ले आएंगे, वहां रिजाइन मार देंगे और पूरी तरीके से यूट्यूब पे काम करना शुरू कर देंगे। सेम कहानी यहां भी अधिकारियों के। अब क्या हुए, अधिकारी जो है नील पर अपना कारोबार पूरी तरीके से ध्यान लगाना छोड़ दिए और अपनी नौकरियां को लात मार दी। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ध्यान रखिएगा स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, बहुत सारे लोग भारत आए और इन्होंने नील के बगान लगा लिए। बहुत सारे लोग भारत आए और नील के बगान लगा लिए। जिनके पास नील के पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी के नए नए बैंक जो है कर्जा देने के लिए तैयार होना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने देख लिया कि अब जो है नील का जमाना आ रहा है, अब जो है कपास की ज्यादा पैदावार हो रही, पटसन ज्यादा पैदावार हो रही है, तो इससे क्या होगा, कपड़ा ज्यादा से ज्यादा बनेगा और भारत का नील जो है और स्पेशली जो बंगाल में नील उत्पादन होता है उसका पूरी दुनिया में डिमांड है। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लोग भी यहां पर आते हैं और नील के बगान लगाना शुरू कर देते हैं। कहानी यहीं तक है। अब आगे की कहानी, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ध्यान रखना है, एकदम नहीं हटना है। अब नील की खेती कैसे होती थी इसको समझते हैं। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक जो थे निज और दूसरा जो थी रैयती। एक निज थी और एक रैयती थी। इसी दो के मुख्य तरीके से नील की खेती की जाती थी। निज जो होती थी खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। निज का मतलब होता निजी, निजी मतलब अपना, यानी कि निज की खेती की व्यवस्था यानी मकान जो सॉरी बगान मालिक होता था वो खुद ही अपनी जमीन में नील का उत्पादन करता था, जिसको कहते थे निज। और रैयती, और ध्यान रखिएगा, या तो जमीन खरीद लेते थे और दूसरे जमींदारों को जो है जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूर से काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। क्लियर हो गया, इसको कहते थे हम रैयत। क्लियर हो रहा है। अब आते हैं निज खेती की समस्या क्या थी, निज की खेती में सबसे बड़ी समस्या क्या थी उसको समझने की कोशिश करते हैं। बगान मालिकों को निज की खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसे जमीन पर आबादी पहले से ही बहुत अधिक थी, वहां छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे, बहुत आबादी थी और जो उपजाऊ जमीन थे वहां पे ऑलरेडी लोग बसे हुए थे तो छोटे मोटे हाथ ही लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत होती, बड़े बड़े भूभागों की जरूरत होती थी। इस तरीके से जमीन वहां कहां से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया कि नील की फैक्ट्री जो है इर्द गिर्द पट्टे पे जमीन लेने का प्रयास वहां पे करते हैं और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव भी पैदा हो जाता, अब जो है वहां पे अपनी जो है धाक जमाने के लिए वहां के किसान को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। आज भी देखते होंगे कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो क्या करती है, जो जनजातीय इलाका क्षेत्र है और स्पेशली ये सब खेल जो होता है मध्य प्रदेश या उड़ीसा वाले क्षेत्र में या झारखंड वाले क्षेत्र, झारखंड में तो कम होता है, मध्य प्रदेश उड़ीसा में ज्यादा होता है, क्या करते हैं ये लोग, जनजातियों को खदेड़ देते हैं और वहां अपनी कंपनी जो है लगा देते हैं। सेम कहानी यहां भी होती है, वहां से क्या करते हैं जिनकी जमीन होती है उनको हटा दिया जाता है। मजदूर का इंतजाम करना भी आसान नहीं था, आसानी से मजदूर भी नहीं मिल सकते थे। बड़े बगान के लिए बहुत सारे मजदूर की जरूरत होती थी। अगर बगान बड़ा है तो उसके लिए मजदूरों की भी संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होने की जरूरत थी। मजदूर की जरूरत भी इतनी ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे, और मजदूर की खेती जो नील की होती थी सबसे ज्यादा मजदूर की उसी वक्त जरूरत होती थी जब दूसरे साइड में धान की खेती के लिए होती थी, तो लोग धान को छोड़कर कैसे आएंगे नील में, सोचने वाली बात थी। तो एक समस्या ये बनी पड़ी हुई थी। अब आगे, अब बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैल की जरूरत होती, यानी तो एक तो समस्या थी लोगों की, पहले तो जमीन की समस्या हुई, उसके बाद जो है मजदूर की समस्या हुई, तीसरा जो है हल बल की जरूरत, हल और बैल जो होते थे जिससे जोते जाते थे खेत को, उसकी जरूरत होना शुरू हो गई।
अब यहां पे 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए था। 1 बीघा अगर नील की खेती आप करते तो इसमें 2 हल चाहिए, ध्यान रखिएगा 2 हल चाहिए था। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बगान मालिक के पास में 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हल की जरूरत पड़ती थी, 2000 हल की। और हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बहुत बड़ी समस्या उस टाइम की थी। एकदम कहानी उस टाइम की चल रही है, नील की खेती हो रही है अपने हिंदुस्तान में, अंग्रेजों के द्वारा करवाया जा रहा। अब देखिए, किसानों ने भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए इस चीज की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादन की जरूरत होती थी उसी समय किसान जो है हल बैल को चावल की खेती में व्यस्त कर लेते थे। उस समय अगर चाहते तो बड़े बड़े क्षेत्र से, बड़े बड़े जो वहां पे गांव है वहां से हल बैल ले लिए जाते थे किराए से, लेकिन नहीं ले सकते थे इसीलिए क्योंकि उसी टाइम में क्या होता था, चावल की भी खेती करनी होती थी। तो कोई किसान जो है अपने हल बैल दे नहीं पाता था, देता ही नहीं था, तो एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी 19वीं सदी के आखिरी तक। ध्यान रखिएगा, यानी अब कहानी चल गई है 1800 से लेके 1899 के बीच में, आखिरी टाइम में पहुंच चुका 1899 में। बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकना शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे इन्हें डर लगना शुरू किया कि क्षेत्रफल को नहीं फैलाया जा सकता है। अब इस व्यवस्था के तहत जो है नील की पैदावार जो है 25% से भी कम जमीन पर आती थी, बाकी जमीन जो है रैयत व्यवस्था के अंतर्गत था। क्लियर, यहां तक तो पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब रैयत की जमीन पर नील की खेती, अब रैयतों कैसे जमीन पर करते थे नील की खेती। रैयत व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा करते थे और कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते। गांव के जो मुखिया होते थे वो रैयतों की तरफ जो अंग्रेज के द्वारा लगाया जाता था उसके तहत जो है मुखिया को भी इसमें समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, ये जो भी निजी होते थे वो लोग। अब आगे के बाद जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उसे नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से जो है नगद कर्जा मिल जाता था। और यह कहा जाता था कि अगर जो लोग नील उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वहां के महाजन से जो है कम ब्याज पे जो है उन्हें कर्ज मिल जाएगा। और इस लोभ से जो है लोग नील की खेती लगाना शुरू कर देते हैं। कर्जा लेने वाले रैयत को अपने कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करना होता था। मतलब कि अगर कोई भी रैयत जो है अगर कर्जा ले रहा है तो अपनी भूमि का जितना भी भूमि उसका 25% पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। जो बगान के मालिक होते थे वो क्या करते थे, बीज और उपकरण जो भी किया जाता था जिससे नील की खेती उपलब्ध करवाते। जबकि मिट्टी को तैयार करने के लिए, बीज बोने के लिए, फसल की देखभाल करने की जिम्मेदारी जो थी वो काश्तकारों के ऊपर रहता था। किस तरीके से मिट्टी में बोया जाएगा, किस तरीके से इसकी देखभाल किया जाएगा, इस सारी जिम्मेदारी जो है वो काश्तकारों के पास में होती थी। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को अपना कर्ज मिल जाता था और वह चक्र जो है दोबारा फिर से चलना शुरू होता। उसके बाद जब कटाई होती थी तो फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी, कटाई के बाद जो फसल बगान के मालिक को सौंप दी जाती थी और रैयत को एक नया जो है वो कर्जा मिल जाता और यही चक्र जो है दोबारा होता था। देख लीजिए गाँव में ऐसा ही होता है, नील की खेती हो रही है, यहीं पर बैल हल वगैरह सब है। चलिए आते हैं आगे, नील का उत्पादन कैसे होता था, यहां देख लीजिए इसी तरीके का कंपनी, थोड़ा सा देखिए अच्छा लगेगा। यहां पे क्या था, किनवन हौद था जहां पे क्या होता था, नील को सनाया जाता, किनवन में सनाया जाता। उसके बाद यहां पे क्या था, बीटर वॉट था जहां पे पानी को रखा जाता था। अब नील की खेती के पास में स्थित नील का एक कारखाना विलियम सैंपन्स का एक चित्र था, 1863 का यह चित्र मिला है, देखिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब किसान पहले इन कर्जों को बहुत आकर्षित थे, पहले तो किसान बड़े आकर्षित हो गए कि इस कम ब्याज पे ही हमें कर्ज मिल रहा है। उन्हें जल्द ही समझ में आ गया था कि इस व्यवस्था में कितनी कठोरता है और धीरे धीरे तुरंत समझ में आ गया था कि इसके पीछे भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जा का सिलसिला कभी खत्म हुआ ही नहीं होता था, कभी होता ही नहीं था, चाहे जितना भी कर दो कर्ज वही का वही रखा रह जाता था। तो किसान इस बात को समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी समस्याएं थी और समस्याएं और भी थी। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत में नील की खेती करे,
लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और मिट्टी की सारी ताकत जो है वो क्या करती थी, खींच लेती थी। मैंने बताया था ना कि जो है जमीन की बंजर कर देता था। क्यों? क्योंकि नील की जो पौधे की जड़ होती थी वो बहुत नीचे तक जाती थी। बहुत नीचे तक जाने की वजह से क्या होती थी कि मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी और नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। और ऐसा कंडीशन बन जाता था उसके बाद कि अगर नील की कटाई हो गई तब आप धान के पैदावार नहीं कर सकते थे, होता ही नहीं था। अब नील विद्रोह और उसके बाद इसको समझते हैं। अब यहां तक पूरा क्लियर हो रहा ना? आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा, आगे सब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, क्लास बढ़ता जाएगा, सब कुछ डिटेल से पढ़ाएंगे, बस स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। चलिए आते हैं। 1859 में बंगाल में हजारों रैयतों ने, ध्यान रखिएगा ये कहानी 1859 की चल रही है, हजारों रैयतों ने खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। तलवार, भारे तीर कमान नील की फैक्ट्रियों पे हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर चढ़ाई में कूद पड़ी थी। बगान मालिकों के लिए काम करने वाला सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। बगान मालिक की तरफ से लगान वसूलने के लिए आने वाले गुमसता एजेंटों की पिटाई कर दी गई थी। रैयतों ने कसम खा ली थी कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बगान मालिकों के जो है लठियालों या फिर कहें तो लाठीधारे गुंडों से डरेंगे। खाने का मतलब धीरे धीरे स्थिति परिस्थिति बदलते हुए जा रही है, क्योंकि इनको समझ में आ रहा हम खेती भी कर रहे हैं, हम इन्हें सूद भी दे रहे हैं, हम ब्याज भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पैसे कम नहीं हो रहे। तो इनको समझ में आ गया था कि परेशानी बहुत ज्यादा है। और इसी को देखते हुए 1859 में एक उफान उठता है, एक आंदोलन होता है जिसमें हजारों रैयत जो है नील की खेती करने से इनकार कर देते हैं। और विद्रोह ये धीरे धीरे रैयतों के बगान मालिक को लगान चुकाने से भी जो है इनकार कर दिया। अब कह दिया जाता है कि बगान मालिक किसी भी तरीके का कोई ब्याज नहीं मिलेगा, अगर ब्याज चाहिए तो हमसे लड़ो। और इसके लिए क्या किए, सारे लोग कोई तलवार भाला तीर कमान, औरतें तो जो है बर्तन लेके, सारे लोग जो है आ गए थे। अब जो है किसी भी हालत में जो है ये नील का जो फैक्ट्री थी उसको बंद करवाने के लिए पूरे तरीके से आंदोलन शुरू हो जाता है। और जो इसके एजेंट होते थे, जो आते थे तसल्ली के लिए रैयतों से, उसको भी क्या करते थे ये लोग, पूरे तरीके से पिटाई कर दी गई थी। और इन्होंने कसम खा लिया था कि ना तो नील की खेती हम करेंगे और ना ही नील की खेती करिए हम कर्जा लेंगे, और ना ही अब हम जो जो भी बगान मालिक हैं या फिर लठियाले या लाठीधारी गुंडे जो पाल के रखे हैं उससे अब डरेंगे नहीं बल्कि उसका सामना करेंगे। अब यहां के बाद नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली। अब आपको यह बताना कि आखिर नील के किसान जो है चुप बैठने को नहीं थे, क्यों? कभी सोचे क्यों ये चुप नहीं बैठ रहे थे? आखिर उन्हें बगावत, ये लड़ाई झगड़ा करने की कहां से उन्हें ताकत मिली थी? इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत जो है दमनकारी थी, बहुत दर्दनाक थी। लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते थे, ऐसा कभी कभी ही होता था। जो लोग दबे होते थे वो बगावत नहीं करता, कैसा कभी कभी देखने को मिलता था। लेकिन 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिक के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदार और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। उन्हें ऐसा लग गया कि अगर हम बगान मालिकों के खिलाफ जो है अगर किसी भी तरीके का आंदोलन करते हैं तो हमें जमींदारों और मुखियाओं को भी समर्थन मिल सकता है। और बहुत सारे गांव के मुखिया नील के अनुबंधन पर जबरन दस्तखत कराए गए थे। उन्होंने भी नील जो है किसान है इकट्ठा किया और लठियालों के आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों के बगावत के लिए उकसाने हेतु खुद जमींदार गांव गांव तक घूमने लगे। जमींदार रैयतों मतलब समझ में आ रहा है, जो क्या करते थे, जो बगान मालिक से कर्ज लेते थे कम पैसा में, उन्हें रैयत की तरफ से कहा जाता था। और ये जो कर रहे थे ये कौन कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं अंग्रेज को ही कर रहे थे, अंग्रेज ही तो करवा रहे थे ये सारे के सारे काम करवा रहे थे। अब रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हेतु जमींदार गांव गांव घूमने लग गए थे। अब इस बात पे परेशान थे कि बगान मालिक की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय तक उसने जमीन को ले लेते थे। अब जो है बगान मालिक की जो है ताकत बढ़ती जा रही थी, तो ये देख के जो है रैयत है वहां परेशान हो रहे थे। उन्हें कोई उकसा नहीं रहा था, कोई ताकत नहीं थी, उनकी हरकत देख के ये परेशान होते कि दिन प्रतिदिन ये अमीर से अमीर होता जा रहा है, इसकी ताकत बढ़ते जा रही है और हम इसको क्या है कर्ज भी देते हैं, सूद भी देते हैं, फिर भी हमारी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब
नील के किसानों को भी यह लगा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। जो नील के किसान थे उनको ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज सरकार इसका साथ देगी, लेकिन 1857 के बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के लिए खतरे से डरी हुई थी। जिस तरीके से 1857 की क्रांति हुई और हम जो है जीतते जीतते हार गए, यानी कि बाजीगर कहला गए, तो इस तरीके से सामने वाले की धड़कन तो हम हिला दिए थे कि अब अगर किसी भी तरीके का आंदोलन हुआ तो करो या मरो वाली हालत होगी, या तो तुम ही हिंदुस्तान में रहोगे या फिर हम ही हिंदुस्तानी रहेंगे। इस बात का डर कहीं कहीं अंग्रेजों के अंदर बैठ चुका था। तो कभी भी किसी तरीके का अगर उफान आंदोलन होता था तो इनकी धड़कन हिलना शुरू हो जाती थी। जब नील की खेती करने वाले जिले एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 में सर्दियों के इलाकों में दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा और दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एसएल इडेन ने एक नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई। एक सेकेंड, इस नोटिस की वजह से लोगों के अंदर यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। अब इस नोटिस से यह पता चल गया कि रानी विक्टोरिया जो है नील की खेती का जो है हुक्म जो है नहीं करने का दे चुका है। इडेन किसानों ने शांत करने के लिए विस्फोटक स्थितियों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े थे। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्यंत जो अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखना भी शुरू कर दिया, जो लोग पढ़े लिखे थे। अब इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ गई थी। अब नील उत्पादन की व्यवस्था को जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया और इस आयोग में बगान मालिकों को दोषी पाया गया। जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई और आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूद अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वे चाहे तो नील की खेती बंद भी कर सकते। जो अनुबंध है उसको पूरा कर लीजिए, जो भी आप करार किए हैं वो करार पूरा कर लिए, लेकिन आगे से नील की खेती करना ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस बगावत के बाद क्या होता है कि बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और इस बात बगान मालिक बिहार पर केंद्रित करने लग गए। अब जब बंगाल से क्या होता है पूरे तरीके से समाप्त होता है तो बगान मालिक अपना दूसरा रास्ता ढूंढे और दूसरा रास्ता कहां ढूंढते हैं तो बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिरी में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लग गया था। अब जो है कृत्रिम रंगों का उत्पादन शुरू हो जाता है, कब तो 19वीं सदी के आखिरी में, यानी कि 1899 के आखिरी में जो है कृत्रिम रंग जो है नील का बनना शुरू हो जाता है। इससे उनकी व्यवसाय भी बुरी तरीके से प्रभावित होना शुरू हो जाती है। अब नील की खेती आगे बंद होना शुरू हो जाएगी। फिर हुए उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आके नील किसानों की दुर्दशा देखने को जो है नौता देते हैं। ये कौन होते हैं तो राजकुमार शुक्ल होते हैं। राजकुमार शुक्ल जी क्या करते हैं, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी आते हैं तो वहां जाके, थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं आपको, वहां जाके महात्मा गांधी से कहते हैं कि एक बार आप चंपारण चलिए, एक बार किसानों की स्थिति देख लीजिए, तो फिर चंपारण आंदोलन में आपको और डिटेल से बताएंगे कैसे गांधी जी को रोका जाता है, कैसे गांधी जी आंदोलन करते हैं और कैसे वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव भी डाली जाती है। वो सारी बातें जो है वहां जाके हम लोग पढ़ेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इतिहास आपको बच्चों का खेल बना देंगे, इतिहास में इतनी इंटरेस्ट करवा देंगे, आप बस यकीन मेरा रखिए, एक साथ पढ़िए, आपको लगेगा सच में इतिहास जो है ना मजेदार सब्जेक्ट है। बस शर्त इतनी है, कंटिन्यूटी में मेरे साथ रहिए, फिर इतिहास आपके अपना सब्जेक्ट है। चाहे प्रीलिम्स ले लीजिए, मेंस का एक पेपर हिस्ट्री पढ़ना, कहां भागेगा इतिहास से, सोचिए तो जरा। इंटरव्यू में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने वाला कहां भागेगा, सोचिए तो। तो बेहतर है भागने से बढ़िया लड़ जाते हैं और पूरे तरीके से लड़ते हैं और जीत के ही आएंगे और ये आप डिजर्व करते हैं। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ जो है चंपारण में आंदोलन शुरू होता है। 1917 में गांधी जी चंपारण आते हैं। अब एक कोटेशन है, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील किस्तकारी जो है हाजी मोल्ला से मंगलवार जो है 5 जून 1860 में नील आयोग सदस्य ने बात की तो हाजी मोहल्ला ने कुछ सवाल इस तरीके से दिया। डब्ल्यू एस पीटसन ने नील आयोग के अध्यक्ष, क्या
अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर जो है खेती करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला ने बताया, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूं, मुझे नहीं पता है कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले ने, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते हैं? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूंगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। एक किसान उस टाइम में है, वो ये कोटेशन देता है। वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन होता कैसे, आइए थोड़ा सा इसको जानना बेहद थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आगे जब मेंस लिखेगा तो यहां भी आपको इसको जोड़ना होगा। चलिए आते हैं 18वीं सदी की शुरुआत में। 18वीं सदी का मतलब क्या हुआ? 1700 से लेकर 1799, बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि दिमाग में रहे। 1799 18वीं सदी की शुरुआत में, यानी 1710 के आसपास। 18वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी कमिश्नर जो बेप्टिस्ट लबात कैरिबियानी द्वीपों का दौरा करता और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहां के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधे को सेटलर वाट में डाल रहे हैं और एक मजदूर जो है मशीन चरखे की घोल से घुमा रहा। आप देखिए, अब दो मजदूर नील की लुगदी को बोरे में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में दो मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचे में ढालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बगान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पे जो है क्या कर रहे हैं, नजर रख रहा है। इस पे तस्वीर में यही दिया गया है। अब यहीं तक आज की कहानी थी, आगे चैप्टर आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इसी दिल से, इसी ईमानदारी से आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, प्लीज आप लिख के दीजिए, क्योंकि हमारे SDM बोलने से आप SDM नहीं बन जाइएगा। ये थोड़ी देर के लिए आग है, मैं चाहता हूं लाइफ टाइम के लिए आग है। प्रोसेस भी तो पकड़िए, प्रोसेस से क्यों ना नजरअंदाज करते हैं, क्यों भागने की कोशिश करते हैं? लिख के दिखाइए, आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है, लिखिए तो सही एक बार, मजा आने वाला है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और दोस्तों, कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर लिखिए प्लीज। अगर लाइक करते हैं तो एक कॉमेंट भी लिखिए, और दिल वाला कमेंट लिखिए, मजा आ जाए पढ़ने के बाद, लगे कि हाँ क्या लिखा है मेरा स्टूडेंट ने, मजा आ जाए, दिल को टच कर जाए। और तब क्या होता है ना, हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं, मुझे कंटिन्यू NCERT लाना होगा, क्योंकि हमारी उम्मीद स्टूडेंट से बनी हुई है। और जब आप नीरस की तरह नहीं देखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो हम भी ऐसे ही सो जाते हैं जैसे आप करते हैं। मैं कोई राम तो नहीं ना हूं, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी आपसे चाहिए। मैं कुछ कहां मांगता हूं, मैं सिर्फ कमेंट मांगता हूं, और ये आप डिजर्व करते हैं मुझे देने के लिए। और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जैसे आपकी जिंदगी आसान हो रही है, आपके बदौलत किसी और की जिंदगी आसान हो जाएगी। थैंक यू, नमस्कार।